सारी बाढ़। आधा हिंदुस्तान बाढ़ के इस कहर को झेल रहा है। कहीं बाढ़ से बर्बादी, मेरे चारों तरफ जहां तक दूर दूर तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की विनाश लीला आपको देखने को मिलेगी। कहीं बाढ़ में डूबती जिंदगी। एनडीआरएफ की ये टीम जो है वो दिन रात जुटी हुई है और लोगों को एक एक कर रेस्क्यू कर यहाँ से निकाल रही है। कौन से गांव से आप? पटने वाटा। वो गांव डूब गया पूरा? और डूब गया। कहीं बाढ़ से बचने की जद्दोजहद। कहीं पानी की शक्ल में मंडराती मौत। कहीं जानवरों पर पानी की मार। जल जंजाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पानी रंगहीन होता है, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जिसके साथ भी मिलता है, और फिलहाल ये पानी बाढ़ की शक्ल में बर्बादी के साथ मिल चुका है। यही पानी मुसीबत बनकर बह रहा है, खत्म होती जिंदगी की वजह बनकर बह रहा है, तबाह हो रहे लोगों के परिवार की आंखों में आंसू बनकर बह रहा है। जल के जंजाल में उलझे राजस्थान की इस रिपोर्ट को देखिए। हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसा रंग जो राजस्थान पर चढ़ा है और बहुत गहरा चढ़ा है, इतना गहरा कि डूबती जा रही हैं गलियां, डूबते जा रहे हैं गलियारे, डूबते जा रहे हैं गांव ग्राम। खुशियों की गठरियां डूब चुकी हैं, कुदरत ने बर्बादी की ग्रहें खोल दी। सावन के रिमझिम फुहार की ख्वाहिश पाले दिलों पर दरकाने वाली बाढ़ ने दस्तक दी है। बरसात से दम निकाल देने वाला भादो इस बार सावन में ही आ गया, झूमते हुए नहीं झकझोरते हुए। बर्बादी की बरसात नहीं, झमेलों का झरना बनकर बरसा है पानी। मानसून की शुरुआत में मरुस्थल की रेत पानी में बदली, फिर पानी परेशानी में बदला, और परेशानी का पानी अब बर्बादी में बदल कर बंटाधार किए दे रहा है। जोधपुर, जयपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर सब मना रहे हैं खैर। आठ दस घर है, यही हालत, इसी घर की हालत है, जैसी हालत है ये। लोग अपने स्तर पे बेचारे लोग बाहर निकल गए, अभी देखो मरने के लिए कौन तैयार होता है? कोई प्रशासन की तरफ से कोई कुछ भी नहीं किया गया, लोग अपने हिसाब से देख मौत के मारे डर के निकल गए सब घर से बाहर। बाड़मेर की चकनाचूर सड़कें, मुख्य मार्गों से कट चुके रास्ते, हाथ पकड़कर रास्तों को पार कर देने की चुनौती और झुकी हुई उम्र, बची कुछ जिंदगी बचाने की बाट जोहते हैं। बाड़मेर में बारिश ने बर्बादी को वो निशान दिए हैं जिन्हें कहना तो आसान है मगर सहना बहुत मुश्किल है। पूरे पूरे बर्बाद, नाले घर सभी के तबाह हो चुके हैं, खेतों में पानी पानी है, खेत भी पूरे फसलें बर्बाद। कई सालों तक यहाँ अनाज उगे गए नहीं, इतने घाव बैठ गए सर, 40-50 फुट खेत बैठ गए और उसमें कई सालों से अनाज नहीं होगा सर। जालौर में जल का जलजला आया है, तालाब में नाव चलते हुए खूब देखा होगा आपने, अब गाड़ियां चलते हुए देख लीजिए। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं, पानी ही पानी है, पानी की कई फीट परत चढ़ गई है। मरुस्थल में जल का जंजाल ऐसा फैला है कि सब उलझे नजर आ रहे हैं। ऐसी मुसीबत के बीच रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, जिए तो जिए कैसे? जगह जगह पे हमने सारे SDOs तहसीलदार को अलर्ट किया हुआ है। SDRF की NDRF की टीम भी हमारे साथ में है, आर्मी की टीम्स भी उपलब्ध है,
और जगह जगह पे जहाँ पे हमें लग रहा है कि बारिश का वजह से पानी का स्तर बढ़ रहा है, वहाँ पे एहतियात के तौर पे पहले ही कुछ लोगों को अपनी ढाणियाँ खाली करवा के सुरक्षित जगह पे लेके गए हैं। इस चेतावनी को संवेदनशीलता से समझें, क्योंकि जालौर के जवाई बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं और पानी रास्तों को काटता हुआ रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। प्यासे के लिए एक घूंट में स्वर्ग का सुख देने वाला यही पानी बाढ़ की शक्ल में बहा तो बर्बादी की बेहिसाब कहानियां गढ़ता गया, वो कहानियां जो तकलीफ बनकर स्मृतियों में जिंदगी भर बहेंगी। कार्ड छप चुका था, तारीख निश्चित थी, दूल्हा बनने की हसरत पाले हसन अली सेहरा, सेहरे की कलगी और कलगी में जालौर का जगमगाता कोहिनूर सजाए बारात के लिए तैयार थे, मगर बारात चलती उसके पहले पानी ने प्रहार कर दिया। ऐसा पानी बरसा कि बारात रुक गई, शादी की तारीख गुजर गई, पानी के साथ सारी व्यवस्थाएं भी बह गईं। क्या हुआ? कार्ड भी हमारे को वापस छपाने पड़ रहे हैं और शादी का गार्डन है और भी दूसरे बहुत से काम है जो वापस नई तरीके से हमारे को तय करने पड़ रहे हैं। अब 31 जुलाई 2017 को मेरी बारात अबरोड बस द्वारा जाएगी। अब पानी का प्रहार आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह रहा है। कहा था ना कि पानी का गुणधर्म है सब में मिल जाना, तकलीफ में बहा तो आंसू बनकर और उम्मीदों पर फिरा तो बर्बादी बर्बादी बर्बादी। जोधपुर से नवीन दत्त और बाड़मेर से दिनेश वोहरा के साथ आज तक ब्यूरो। वो पानी जो जीवन का सार है, उसी पानी का प्रहार कई जिलों में पड़ा है। जिन जिलों में जल के जंजाल ने बर्बादी के आगोश में लोगों को समेट रखा है, उनमें गुजरात भी शामिल है। गुजरात में सैलाब के संकट से त्राही त्राही मची हुई है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। पानी का स्वभाव है हर रंग में रंग जाना और गुजरात की गलियों में गर्दिश बनकर बह रहा है पानी। बनासकांठा में बर्बादी बनकर, मोरबी में मुसीबत बनकर, सुरेंद्रनगर में जानलेवा समस्या बनकर, आबाद अहमदाबाद में जी का जंजाल बनकर बहता जा रहा है बर्बादी के निशान छोड़ते हुए। इस वक्त गुजरात के आप देख सकते हैं हम थरा गांव में हैं और यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गांव से आपको बता दें, दूर दराज के गांव जहां तक अभी तक लोग फंसे हुए हैं, वहां से एनडीआरएफ की ये टीम जो है वो दिन रात जुटी हुई है और लोगों को एक एक कर रेस्क्यू कर यहां से निकाल रही है। आपको बता दें, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो दंश झेल रहे हैं लोग, इनका दर्द समझना इतना आसान नहीं होगा। बनासकांठा का पटनी वाला गांव बाढ़ में गुम हो चुका है। बचे हैं तो बचाए गए चंद लोग, जिनके ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी। अफसोसनाक ये है कि इतने पानी के बावजूद न पीने वाला पानी है, न खाने के लिए खाना। सुखरे को खाने के भी 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन से कुछ खाया नहीं है? खाया नहीं है, मैं इतना करिया ना, मका बच्चो बच फंसा ही रहा। अब अहमदाबाद जा रहे हैं। अच्छा, तो ये वहाँ पर आप लोग कहाँ पे थे इतने पानी में? आपको ये कैनल के पास के झोपड़ा बांध के रहे थे। एनडीआरएफ की टीम ने झोपड़ा ऊपर बांधा हुआ है कैनल के ऊपर। अभी भी क्या वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं? फंसे हैं, लेकिन वो निकल बहुत लो। कितने लोग हैं? बहुत लोग फंसे हुए हैं। 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। खाना पीना कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कुछ भी नहीं है वहाँ पर? यहाँ पे थोड़ा जाता है, थोड़ा बचता है, फिर लोग बच जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 6-7 दिन हो गए लोगों ने खाना तक नहीं खाया है। गुजरात में बाढ़ का दंश ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे एनडीआरएफ की जो टीम है वो दिन रात मुस्तैदी से जुटी हुई है। अकेले पटनी वाटा नहीं, थरा और खारिया गाँव का भी जलधारा में तर्पण हो चुका है। खारिया गाँव की एक गली कहाँ गुम है, ढूंढ कर दिखाइए। इस वक्त मैं गुजरात के बनासकांठा के खारिया गांव में हूं। बनासकांठा वो जिला जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ का दंश झेल रहा है। मेरे चारों तरफ जहां तक दूर दूर तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की विनाश लीला आपको देखने को मिलेगी। यहां पर
दूर दूर तक जो गांव हैं वो सभी जल समाधि ले चुके हैं और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का अभी भी, लोगों के जो शव हैं वो निकलने कम नहीं हुए हैं और लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। अकेले बनासकांठा में 60 से ज्यादा लोगों को इस बार बाढ़ लील गई। दर्जनों गांवों ने जल समाधि ले ली, करोड़ों का सामान पानी पानी हो गया है। ये शुक्र रहा कि देवदूत बनकर घूमते हैं ऐसे जाबाज जो लोगों को बचाते हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। खास करके बनासकांठा में हाल बेहाल है लोगों का। यहाँ पर दिन रात एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू के लिए। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, एनडीआरएफ के लोग जो कि दिन रात यहाँ पर लोगों के बचाव के लिए लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि यहाँ सुबह कितने बजे से रेस्क्यू का काम शुरू हो जाता है? सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है रेस्क्यू। लगभग कितनी बार आप लोग यहाँ से जाते हैं और लोगों को निकाल के लाते हैं? कम से कम 100 बार 90 बार हो जाता है। अब तक लगभग अंदाजा कि कितने लोगों को बचाया जा चुका है? हजारों आदमी को ही बचा चुके हैं, 1000 आदमी को रेस्क्यू करके बाहर निकाल चुके हैं उधर से। बाढ़ जब गुजर जाएगी, जब घट जाएगा पानी का स्तर और बढ़ चुकी होगी गलियां अपनी अपनी पहचान के हिसाब से, तब इन्हीं गलियों से गूंजेगी बर्बादी की कहानियां, क्योंकि मौत ने यहाँ इंसान और जानवरों के बीच का भेद खत्म कर दिया है। गायों की जो नस्लें हैं उसमें अति प्राचीन नस्ल में आती हैं, वो सभी बह गई हैं। यहाँ पर एक चरवाहे हमारे साथ हैं और आप ये बताइए, ये इतनी ही गाय बची है? वो गाय बची नहीं थी। नहीं बची गाय? ना, नहीं बची गाय, गाय बची नहीं थी। क्या हुआ, पानी में बह गई? हाँ, पानी में बह गई, गाय बची नहीं थी, जे पानी में घाटी लाई इतनी बची राशि यूं है। बनासकांठा गुजरात का वो शहर है जहाँ दुर्भाग्य की बरसात हुई है। बाढ़ से 60 लोगों की मौत हुई, 11 तहसीलों के 151 गांवों में महामारी की आशंका है। बाढ़ तो आकर चली जाएगी, मगर उस नई मुसीबत का क्या जो आने वाली है। हालांकि आने से आपको बताएं कि आज बनासकांठा के इसी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी आने वाले हैं। गुजरात के कई जिले बाढ़ से बर्बाद हुए हैं, कई जिलों में जल प्रलय आई है। आसमान से देखने पर जल का विस्तारित रूप दिखता है। प्रलयंकारी बाढ़ सीने में सहरन पैदा करती है। सरकारी आंकड़े तो डराने वाले हैं। गुजरात में बाढ़ से अब तक 123 लोगों की मौत हुई, 17,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, बाढ़ में फंसे 8,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रार्थना कीजिए कि बाढ़ में फंसी जिंदगी जल्द सामान्य जीवन के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाए। अहमदाबाद से गोपी घंघर और बनासकांठा से श्वेता झा के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के 8 राज्य बाढ़ से बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हालात बेहद बुरे हैं, तो यूपी एमपी के भी कई इलाकों में बाढ़ की दस्तक ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया है। देखिए आप भी बाढ़ की ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी, इसलिए कि मानसून की शुरुआत के साथ ही मुसीबतों का सैलाब टूटा था, इसलिए कि सैलाब में हिंदुस्तान के 8 राज्य तबाह हुए थे, इसलिए कि बाढ़ बर्बादी की इंतहा पार कर गई थी। उसी बर्बादी की एक तस्वीर ये भी है। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर, हालात इतने बिगड़ गए हैं कि चारों तरफ सैलाब नजर आता है और सैलाब में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से इस तरह खाना पहुंचाया जाता है। पश्चिम बंगाल के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में पिछले 24 घंटे में 3 लोग और जान गंवा बैठे हैं। 11 जिलों के 165 गांव में 23 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 2,50,000 हेक्टेयर की खेती बर्बाद हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के बाद असम के हालात देखिए। असम में बाढ़ का पानी तो उतरने लगा है, मगर बर्बादी की तस्वीरें जस का तस हैं। इसी बर्बादी की तस्वीरों को देखने के लिए 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि असम में 29 जिलों में 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आपदा पीड़ितों के लिए 1,098 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2,00,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बाढ़ में बुरी तरह बर्बाद हुए लोगों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है।
किनारों को तोड़कर नदी नाले ऐसे बहे कि पुल बहते चले गए, पुल बहे तो रास्ते बंद हो गए और रास्ते बंद हो गए तो स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान हथेली पर रखना पड़ा। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बारी बारी से इन बच्चों को दूसरे किनारे पर पहुंचाया जा रहा है ताकि ये बच्चे स्कूल पहुंच सकें। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।